भगवती को हमने स्वीकारा है, वो संबंध दृढ़ हुआ है, तब जाके हम कह सकते हैं मैं जानता हूँ तू कर सकती है और ऐसे ही तेरे द्वारा किया जाना चाहिए। कैसे? सर्वाबाधा प्रशमनम, मेरी साधना में जो विघ्न आते हैं उनका, उन बाधाओं का प्रशमन करना, क्योंकि मैं समझ भी नहीं सकता। कभी मैं सोचूं ये बहुत अच्छा है मेरे लिए, फिर देखें तो ये तो सर्वनाश करने वाला है मेरे लिए, है ना। मैं इतना अच्छा गाता हूँ, मैं इतना अच्छा करता हूँ, पर क्या करें, लोग मेरे से जलते हैं ना, इसीलिए मैंने गाना भी बंद किया है और मैं सत्संग में भी नहीं जाता। ऐसे निठल्ला से क्या करें, काम हो जाएगा। मैं बहुत अच्छा, मैं बहुत, आई एम वेरी इंटेलिजेंट, आई नो, बट यू नो पीपल डोंट अप्रिशिएट मी, दैट इज़ वाई आई हैव स्टॉप्ड। ऐसा कायर कुछ नहीं कर पाएगा ज़िंदगी में, सही बात है ना। तो आई बिलोंग टू यू, सो मैं क्या चाहता हूँ, मैं सोच रहा हूँ सब मेरी प्रशंसा करें तो मैं बहुत अच्छी तरह से अपना काम कर लूँगा, पर वैसे हो तो मेरे में कोई आत्मबल ही प्रकट नहीं होगा प्रशंसा पे, आई विल बी फ्लोटिंग ऑन दैट। जब प्रशंसा ख़त्म हो गई, या तो प्रशंसा करें पर मेरे से अच्छा कोई गाने वाला आ गया तो फिर मैं डप हो गया। तो मैं नहीं जानता मेरे लिए क्या अच्छा है। भगवती मुझे ऐसे परिस्थितियों में डालेगी कि टेक अ चॉइस, योर चॉइस, आत्मबल प्रकट करो या तो फिर घबरा के बैठो। मैं घबराने वाला नहीं हूँ, सो मैं समझता भी नहीं क्या विघ्न है, क्या मेरे लिए हितकर है, क्या मेरे लिए सर्वनाश का कारण है। इसीलिए जो बाधाएं तुम तो समझती हो, तो उन बाधाओं को हटाना, बट गिव मी चैलेंजेस सो आई कैन ग्रो। मैं धैर्यपूर्वक आपका बन के कार्य कर रहा हूँ, तो मेरे से ओजस्वी कार्य करना। आई विल नॉट ट्राई टू डिसाइड दिस इज़ गुड फॉर मी, आई शुड गेट दैट, अदरवाइज नथिंग, दिस इज़ बैड, यू डिसाइड। और मेरे में इतना सामर्थ्य प्रकट करना, करवाना। सर्वा बाधा, बाधा भी क्या है तुम मुझे बताना, और फिर उनका शमन करना, मुझे सामर्थ्य देना, या तो तुम ही करो। एवं वक्तव्या कार्यम, त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी, तीनों लोगों की अखिलेश्वरी हो तुम, सामर्थ्य है तुम में, और मैं तुम्हारा हूँ, बस उसको लेके फिर ये हठपूर्वक के अधिकार आता है शिष्य में प्रार्थना करने का।